के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। शासन ने जारी किया राज्य कर्मचारी के सप्तम वेतन आयोग के बकाया एरियर का 50%। कर्मचारियों में खुशी की लहर। गोरखपुर नगर निगम को मिली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्लांट लगाने की अनुमति, नगर आयुक्त ने दी जानकारी। जिला महिला अस्पताल के अधीक्षक ने स्वीकारा कि दवा खरीदने में हुआ है घोटाला, आंतरिक जांच में हुआ है खुलासा, कैब की रिपोर्ट से नहीं है कोई मतलब। कर्नाटक सरकार के लोकतांत्रिक तरीके से गठन के विरोध में कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक। खाद्यान्न की कालाबाजारी पर रोक लगाने के दिए निर्देश, कहा तहसील मुख्यालय पर निवास करे एसडीएम। 20 को गोरखपुर आएंगे सीएम योगी, करेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत, 21 को वापस जाएंगे लखनऊ। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने 21 से 25 तक अभियान चलाकर टीकाकरण के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से एसपी नॉर्थ ने वाहन चालकों से की अपील, कहा थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है दुर्घटना का कारण। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित मेधा सम्मान समारोह में अखिल भारतीय सेवा परीक्षा वर्ष 2017 में सफल प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। आईजी एसएसपी सहित कई अन्य अतिथियों ने की उज्ज्वल भविष्य की कामना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के नेतृत्व में मंडलीय कारागार के कैदियों को दिया गया कानूनी मशवरा। प्रवक्ता रेलवे श्रमिक संघ ने किया धरना प्रदर्शन, पैथोलॉजी के लखनऊ स्थानांतरित करने का कर रहे हैं विरोध। सिस्टम जल जाने की वजह से विद्युत उपकेंद्र बख्शीपुर के 3 काउंटर रहे बंद, उपभोक्ता हुए परेशान। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नुसरत खान ने कहा कि शिविर लगाकर लोगों को लीगल कानूनी सहायता उपलब्ध करा रहा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। नगर निगम की टीम ने अभियान के तहत रेलवे स्टेशन के सामने अतिक्रमणकारियों को हटाकर किया नालों की सफाई, अतिक्रमणकारियों से हुई नोकझोंक। सफाई कर्मी ही उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां, नाले में जल रहे हैं कूड़ा। वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ ने अर्ध नगर होकर किया प्रदर्शन। और पवित्र रमजान माह के पहले जुम्मे को मस्जिदों में नमाजियों ने अदा की नमाज।